करनाल गई थी पंजाब हरियाणा, वहाँ पे नेशनल था, नेशनल राव इंडिया, उसके अंदर मेरी कैटेगरी में मैंने फर्स्ट प्राइज लिया है, गोल्ड मेडल। वहाँ पे मैंने राजस्थान लेवल पे मैंने डेड लिफ्ट और बेंच प्रेस में फर्स्ट आई हूँ। एक साल हो गया। आपने अजमेर में कोई प्राइज जीता है? हाँ, मैंने अजमेर के अंदर मैंने छः बार स्ट्रॉन्ग वुमेन बन चुकी हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल, और फर्स्ट प्राइज दिल्ली हरियाणा और गुड़गांव सारी जगह पे मैं खेल के आई, वहाँ पे भी मेरे फर्स्ट प्राइज लगे हैं। और आपको अपने आपका परिवार साथ देता है? हाँ, सपोर्ट देता है? हाँ, मेरे मम्मी पापा भाई वगैरह सब सपोर्ट देते हैं। और आपके कोच? मेरे धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे कोच रंधावा जी का, जिन्होंने मुझको इतना आगे बढ़ाया। अब आगे जाने की है, आप जो आगे खेलोगे? हाँ, मैं और हाँ नेशनल तो हो चुका, और आगे जाना चाहती हूँ इंटरनेशनल। समिति आपके साथ? हाँ बिल्कुल, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। आपका नाम? मनीषा झंझट। हाँ, जो हम लोग रंधा मल्टी जिम से हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इनमें से क्षेत्रपाल, मनीषा, कबीर मार्शल, जितेंद्र, आदिल, जितेंद्र और भगवान खेलने गए थे। इनमें से मनीषा झांझोट जो हमारे जिम की है, रंधा मल्टी जिम की, इसको दो गोल्ड मिले, एक तो बेंच प्रेस और एक डेड लिफ्ट। और क्षेत्रपाल एक गोल्ड स्ट्रिक कल्स में लेके आए और एक गोल्ड अपने अजमेर सारे। मैं यही चाहूँगा कि हम लोग ऐसे गेम खेलें और आगे बढ़े। और पावर लिफ्टिंग हमने स्टार्ट करी वापस से, और हमें चाहता हूँ जिस प्रकार बाकी जो जिला है, राज्य है, गेम में आगे बढ़ा है, उसी प्रकार हम भी आगे बढ़े और देश का, राज्य का और ज़िले का नाम रोशन करें। इसमें फाइनल सेमीफाइनल कुछ हुआ था? इसमें नेशनल हुआ था, जो फाइनल होता पूरा मैच, जिस पर तीन राउंड चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिससे अपने बॉडी वेट के आधार पर अपना बॉडी वेट वगैरह लिखवाना पड़ता है, उसके हिसाब से ये अपना वेट वगैरह उठाते हैं। ये कहाँ पर हुआ था? ये हरियाणा में हुआ था, करनाल के अशद, जो छोटा सा असद में हुआ था। और ये जो 100% रो सेकंड नेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप थी हरियाणा में, जो 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक चला था। मेरा नाम जयपाल सिंह रंधावा है, मैं जिम का डायरेक्टर, कोच